अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी। मैं पिछले 12 वर्षों से 2011 से मल द्वार की बीमारियों का इलाज, आयुर्वेद की दवाइयों, रोगी की लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव द्वारा बवासीर, भगंदर, फिशर का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। मैं गुदा रोगों पर वीडियो बनाता हूं और मल द्वार के रोगी की मानसिक सोच व उनकी आदतों के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल। तो एनल कैनाल की जो एनाटॉमी है उसको समझने से पहले, उसको देखने से पहले और उसको इमेजिन करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शरीर के बारे में, है ना। थोड़ी बात हो जाए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है कि जो हमारा शरीर है, ये जो ट्रंक है, मींस सेंट्रल मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज हाउस ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे कंधे हैं और जो हमारा नीचे का शरीर है, ये जो बॉडी है, मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको आम भाषा में धड़ बोला जाता है, इस बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें कुछ ओपनिंग्स होती हैं, जैसे कि मुंह एक ओपनिंग है शरीर की, नाक एक ओपनिंग है शरीर की, आंखें भी एक ओपनिंग है शरीर की और कान भी ओपनिंग्स हैं। तो ये सब ओपनिंग है हमारी बॉडी की। तो शरीर से ऊपर वाले जो हिस्सा है में ये सब ओपनिंग्स हैं और जो शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर मल द्वार की ओपनिंग है, मूत्र द्वार की ओपनिंग है और स्त्रियों में गर्भाशय की ओपनिंग है। तो ये जो ओपनिंग्स हैं बॉडी के, तो जो ऊपर वाला शरीर का हिस्सा है वहाँ पर कुछ ओपनिंग्स हैं और जो नीचे वाला शरीर का हिस्सा है वहाँ पर कुछ ओपनिंग्स हैं। अब क्या है, जो शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर जो ओपनिंग्स हैं, उन ओपनिंग्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग तरह से अप्लाई होता है और शरीर के नीचे वाले हिस्से में जो ओपनिंग्स हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग तरह से अप्लाई होता है। क्योंकि शरीर के ऊपर वाले हिस्से में जो ओपनिंग की शुरुआत है वो ओपनिंग का मुंह ऊपर की तरफ है और जो मलद्वार की जो ओपनिंग है उसका मुंह नीचे की तरफ है और जो हमारी आते हैं उसमें भी खाना ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल है और ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर ही हमारा शरीर निर्मित हुआ है। जो नीचे का शरीर है, जो मलद्वार है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है और जब वो नीचे की तरफ लगता है और जो हमारा शरीर का आखिरी हिस्सा है जिसे हम पेल्विक फ्लोर कहते हैं, पेल्विक रीजन जो है, तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन हैं, जितने भी हमारे शरीर में जो अंग हैं, हमारे अंदर शरीर के अंदर के जो अंग हैं, जैसे चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रियाज हो या इंटेस्टिन हो, तो उन सब का भी तो वजन है, वो सब भार भी नीचे की तरफ पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं? तो शरीर में जितने भी ऑर्गन भरे हुए हैं उन सब का सारा वजन पेल्विक फ्लोर पर पड़ता है, इसलिए पेल्विक फ्लोर के मसल्स बहुत मजबूत होते हैं। अगर कोई आदमी वजन उठा रहा है, कोई 50 किलो उठा रहा है, कोई 100 किलो उठा रहा है, तो जितने किलो का वजन वो आदमी उठाता है उतने ही किलो का वजन उसके पेट में पैदा होता है, जिसको एब्डोमिनल प्रेशर कहते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। मान लो कि कोई आदमी 50 किलो वजन उठाएगा तो उसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर उतना ही वजन एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट उसके एब्डोमिनल मसल्स के अंदर होता है।
अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। तो जो पेल्विक फ्लोर है उसमें एक ओपनिंग है नीचे की तरफ, तो उस ओपनिंग को किस तरह से उस फ्लोर ने पकड़ा हुआ है, किस तरह से वो फ्लोर बना हुआ है, जो फ्लोर है उस फ्लोर से एनल कैनाल की ओपनिंग कैसे पास आउट हो रही है, इतने प्रेशर के बावजूद, तो एनल कैनाल की ओपनिंग कैसे पास आउट हो रही है इतने प्रेशर के बावजूद। जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वह शरीर का सबसे बड़ा सिस्टम है। उस डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम द्वार, मल द्वार है, कहाँ कहाँ पर कौन सी नसें हैं, धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, किस तरह से उनका जाल फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पर कौन सा तंतु जुड़ा हुआ है, तंत्रिका तंत्र का जाल किस तरह से बना हुआ है, शरीर में किस तरह से फैला हुआ है, शरीर की जो कार्य प्रणाली है वह कैसे काम करती है, ये सोचने का विषय है, ये जानने का विषय है कि कैसे मल द्वार है, मल द्वार की संरचना कैसी है, वहाँ पर कुदरत ने किस तरह से शरीर की रचना बनाई हुई है। फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका मल द्वार की शारीरिक रचना की वीडियो सीरीज पर। तो जल्द ही एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल की वीडियो सीरीज मेरे चैनल पर अपलोड होगी, आप देखिएगा ज़रूर। थैंक यू। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988788433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।